हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट एडुकेशन शास्त्रों में। पिछली वीडियो हम लोग ने पानी के बारे में पढ़ा और इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब कुछ है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आप इसके आकार का अनुमान नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि आपने अनुमान लगा भी लिया कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, पर आपके अनुसार जहाँ ब्रह्मांड का अंत होगा तो उसके आगे भी कोई पदार्थ जरूर होगा। इसी तरह अगर हम सोचते जाएं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो यह उससे ज़्यादा फैलता जाएगा। 1929 ईस्वी में हब्बल नामक वैज्ञानिक ने देखा कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, तो कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि शायद ब्रह्मांड शुरू में एक बिंदु के जितना होगा और अचानक हुए एक विस्फोट के द्वारा बने कण प्रतिकण बने, जिनसे कई आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ और यह बात से निरंतर फैलती की जा रही है। इस विस्फोट के कारण समय का अनुमान आज से 15 अरब साल पहले का लगाया गया है और इसे महाविस्फोटक का सिद्धांत कहा जाता है। आइए इस रहस्यमयी ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ मंगल ग्रह पर है, जिसके सामने एवरेस्ट की चोटी बहुत छोटी है। एक रिपोर्ट की माने तो आज से करीब 3 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा किसी और आकाशगंगा के टकराकर नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे कई करोड़ों ग्रह हो सकते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे है। एस्ट्रोनॉट्स की माने तो अंतरिक्ष में सुगंध वेल्डिंग के धुएं या गर्म धातु जैसी आती है। पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल बादल है जो अनगिनत शराब से भरा है। हमारा 90% शरीर तारों के तत्वों स्टार डस्ट से बना है। ब्रह्मांड में हर रोज करीब 275 मिलियन तारे जन्म लेते हैं। हमारा सौरमंडल को मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे का चक्कर लगाने में करीब 225 मिलियन साल लगते हैं। डायनासोर के युग में 22 घंटे का दिन हुआ करता था। आपका टीवी या कोई आवाज़ पैदा करने वाला रिकॉर्डर या म्यूजिक सेट जब ठीक से नहीं चल रहा होता है तब ये जो बेकार सी आवाज़ पैदा करता है, या बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोटक के तुरंत बाद बनने वाली रेडिएशन का नतीजा है जो आज 15 अरब साल बाद भी है। खगोल विज्ञान के अनुसार हम कहते हैं कि हर भौतिक वस्तु इस ब्रह्मांड में मौजूद है। इसमें ही खरबों तारे, सौरमंडल और आकाशगंगाएं हैं, पर यह सिर्फ सारी वस्तुओं को 25% ही है। अभी भी कई ऐसी और चीज़ें के बारे में पता लगाया जाना बाकी है। अगर नासा एक पक्षी को अंतरिक्ष में भेजे तो वह उड़ नहीं पाएगा और जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उड़ने के लिए बल ही नहीं है। क्या आपको पता है कि श्याम पदार्थ डार्क मैटर ब्रह्मांड में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो दिखता नहीं है, पर इसके गुरुत्व का प्रभाव जरूर पाया गया है। तभी इसे श्याम पदार्थ का नाम दिया गया है, क्योंकि यह तो दिखता ही नहीं है। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिने तो आप 2000 साल में एक पूरी आकाशगंगा गिन देंगे। महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड विस्तारित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आया, पर आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिक पदार्थ प्रकाश की गति से फैल नहीं सका। पर महाविस्फोट सिद्धांत में तो यह पक्का है कि ब्रह्मांड 15 अरब साल में 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है। एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय करने की गई दूरी। पर इस उलझन को आइंस्टाइन का साधारण सचेतवाद का सिद्धांत समझाता है। इसके अनुसार दो आकाशगंगाएं एक दूसरे से जितनी दूर हैं उतने ही अनुपात से यह और दूर होगी। यह तथ्य थोड़ा समझने से कठिन हो लगेगा, मगर जब इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ समझ आ जाएगा। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी मिल्की वे है। हमारा और सौरमंडल इसी आकाशगंगा में है। आकाशगंगा का ग्रीक भाषा में अर्थ है दूध। अगर आप एक खगोलीय दूरबीन लेकर आकाशगंगा को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे दूध की धारा बह रही है।
हैबल 2029 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। इसका व्यास लगभग 56 लाख प्रकाश वर्ष है और यह हमारी आकाशगंगा से 80 गुना ज़्यादा बड़ी है। यह धरती से 107 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। धनु बॉनी आकाशगंगा की खोज 1994 में हुई थी और यह सभी आकाशगंगाओं से धरती के सबसे करीब है। यह धरती से 70,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा नंगी आंखों से देखी जाने वाली सबसे दूर स्थित आकाशगंगा है। यह पृथ्वी से लगभग 23,09,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें लगभग 300 खरब तारे हैं और इसका व्यास लगभग 1,80,000 प्रकाश वर्ष है। ज़्यादातर आकाशगंगाओं की शक्ल अंडाकार है पर कुछ अपनी शक्ल बदलती रहती है। हमारी आकाशगंगा मंदकिनी अंडाकार है। हम तो पढ़ते हैं ब्रह्मांड कैलेंडर। महाविस्फोट के बाद कई खगोलीय और धरती की घटनाएं घटित हुई है जिसमें डायनासोर का जन्म और खात्मा शामिल है। यह सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समय से घटित हुई है जिसे कि एक साधारण मनुष्य नहीं समझ पाया। इस समस्या के पार पाने वाली एक अमेरिकी गणित और खगोलविद कार्ल सागन ने ब्रह्मांड कैलेंडर का सुझाव दिया। इस कैलेंडर से महाविस्फोट से लेकर अब तक के मानव इतिहास को एक साल में दर्शाया गया है। आइए इस कैलेंडर की घटनाएं जानते हैं। 1 जनवरी 12 AM महाविस्फोट ब्रह्मांड की उत्पत्ति। 15 मार्च पहले सितारों और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति। 1 मई हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की उत्पत्ति। 8 सितंबर हमारे सूर्य की उत्पत्ति। 9 सितंबर हमारे सूर्यमंडल की उत्पत्ति। 12 सितंबर पृथ्वी की उत्पत्ति। 13 सितंबर चांद की उत्पत्ति। 20 सितंबर धरती के वायुमंडल की उत्पत्ति। 1 अक्टूबर धरती पर सबसे पहले एक कोशिका जीवों की उत्पत्ति। 7 अक्टूबर सबसे पहले के जाने जाने वाले फासिल पत्राट। 18 दिसंबर अनेक सेल्स वाले जीवों की उत्पत्ति। 19 दिसंबर पहली मछली। 21 दिसंबर पहले स्थली पौधे और कीड़े। 23 दिसंबर पहले रेंगने वाले। 24 दिसंबर पहला डायनासोर। 26 दिसंबर पहले स्तनपाई। 27 दिसंबर पहले पक्षी। 28 दिसंबर पहले फूल पौधे। 29 दिसंबर डायनासोर का खात्मा। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।